शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। सील बंद लिफाफे में सौंपी गई है रिपोर्ट। मध्यस्थता कमेटी को 15 अगस्त तक का समय मिला है। तो आज सुनवाई हुई अयोध्या मामले को लेकर और क्या कुछ निकल कर आया वो हम आपको बता रहे हैं। मध्यस्थता कमेटी को 15 अगस्त तक का समय और मिला है। अयोध्या मामले में सुनवाई हुई है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और कमेटी ने सील बंद रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंपी गई है कोर्ट को। मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपी है। तो बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आज सुनवाई हुई और क्या कुछ निकल कर आया इस सुनवाई के दौरान वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो मध्यस्थता कमेटी है उसको 15 अगस्त तक का समय मिला है और इस कमेटी ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। कमेटी के चेयरमैन ने और समय की मांग की थी तो 15 अगस्त तक का समय और मिला है कमेटी को। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकला, यानी कि 15 अगस्त तक अभी और समय दिया गया है कमेटी को। सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई है। मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपी है। तो 3 महीने तक अयोध्या मामले की सुनवाई टली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। अयोध्या मामले में सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने आज मीडिएशन पैनल को 15 अगस्त का टाइम दिया है। रिएटर्स ने जो 15 अगस्त तक के लिए समय मांगा था फाइनल रिपोर्ट के लिए, 15 अगस्त तक का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज उनको ग्रांट कर दिया। और शायद रिपोर्ट में कुछ उत्साहवर्धक है कि जो थिंग्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। उनका कहना है कि इसमें कुछ पॉजिटिव साइन है जो कि अच्छी दिशा में जा रहे हैं। और फाइनल रिपोर्ट के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा गया था कमेटी की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने उसको दे दिया है, समय दे दिया है 15 तारीख तक का। तो जो मध्यस्थता कमेटी है उसने 15 तारीख तक का समय मांगा था, कोर्ट ने वो समय दे दिया है। और वकील साहब ये भी बताते हुए कि इसमें कुछ पॉजिटिव है, इस रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव है, चीजें जो हैं वो अच्छी दिशा में जा रही हैं और फाइनल रिपोर्ट अब 15 अगस्त को सौंपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। 15 तारीख तक मध्यस्थता कमेटी को और समय मिल गया है। 3 महीने तक अयोध्या मामले की सुनवाई टल गई है और अब आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ इकबाल अंसारी भी मौजूद है। आकाश, एक बार उनसे सवाल कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कहना है उनका। जी बिल्कुल, जिस तरह से मध्यस्थता की पहली बार ये पहली सुनवाई थी, इस पर डेट ले ली गई, क्या लगता है आपको? क्या देखिए, डेट तो आगे बढ़ेगी क्योंकि कोर्ट ने टाइम मांगा, जो है कोर्ट ये पैनल ने टाइम मांगा है, टाइम जो है 2 महीने का टाइम मांगा क्योंकि पक्षकार बहुत ज्यादा है। ये मसला इतना हिंदुस्तान में उलझा हुआ मसला है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कि 25 पक्षकार इसके अंदर में है और 25 पक्षकार की बात जो है बात को सुनने में सबने अपने 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 यहाँ सबूत पेश किया है। तो कोर्ट जो है पैनल इसको देखेगा, देखने के बाद में इसका जो इसका कोई डिसाइड कोई फैसला इसको लेगा। हमें इसकी जल्दबाजी नहीं है, हमें चाहते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान का एक अहम फैसला है, जो ऐसा फैसला हो जो हिंदू मुसलमान अमन चैन की जिंदगी गुजारे और रहे। क्योंकि इसको राजनीति में इतना लोग उलझाए हुए थे, राजनीति में इतना उलझा हुआ फैसला जो है ये मिला हुआ है पैनल का, ये कोई मतलब इतनी आसान नहीं है, कोर्ट के लिए भी जो है बहुत कठिन फैसला जो है ये है। जैसे इकबाल जी, बात ये की जाए कि पहले भी तारीख पे तारीख और ये मध्यस्थता के बाद फिर तारीख दी गई है, ऐसा है कि ये तारीखें नहीं बढ़ रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, पैनल अपना अपना काम कर रहा है क्योंकि जो है इसके लिए अभी 2 ही महीना हुआ है, जो है 25 पक्षकार इसके अंदर में है, 25ों ने अपने अपने सबूत पेश किए, अपने अपने पेपर पेश किए हैं, सबको देखना है। क्या लगता है कहीं ना कहीं अभी मध्यस्थता के भी जो बातें हैं कहीं ना कहीं अधूरी हैं? देखिए अभी तो जो है पूरी बात तो यहाँ की हो नहीं गई है, 2 महीना लिया गया है, 2 महीने की बात ही अभी लोग बुलाए जा रहे हैं, आदमी एक बार बुलाएगा दो बार बुलाएगा। इनसे बात कीजिए कि जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है कोर्ट की तरफ से उससे संतुष्ट है और जो मध्यस्थता कमेटी से निकल कर आएगा वो इनको मंजूर होगा? क्या चीज़
अच्छा, ये जैसे जो मध्यस्थता के विचार होंगे, जो उसे फैसला आएगा, उसे वो क्या मंजूर करेंगे आप? क्या बिल्कुल मानेंगे? हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। भाई कोर्ट का तो ये बनाया हुआ पैनल है, पैनल लोगों से बात कर रहा है, हम उसकी बात मानेंगे। चलिए, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे जो भी कोर्ट फैसला करेगा उस पे बात होगी। बिल्कुल आता जी, इकबाल अंसारी ने पहले श्री श्री रविशंकर का विरोध भी किया था। मध्यस्थता की कोशिश पहले भी की जा चुकी है और इस बार ये मान जाएंगे? एक बार सवाल करिए इनसे। जी 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 जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि वो यहाँ पे अब नहीं है वो, और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो पहले बात हुई थी, मध्यस्थता की बात होती रही पहले, और उनका ये बार बार कहना है कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर माने, क्योंकि ये जो टीम गठित की गई थी वो कोर्ट के द्वारा की गई थी और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो उस पर सम्मान होगा। बिल्कुल, और एक 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 वकील साहब अभी एक बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चीजें जो हैं अच्छी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसको कैसे देखा जाए? बात की क्या आपने उनसे इस बारे में? जी बिल्कुल, मेरी उनसे बात हुई तो उनका यह कहना है कि जो फैसला होगा कोर्ट का इस तरह से होगा कि ना उसमें हिंदू पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ना मुस्लिम पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए देश हित में होना चाहिए और इस समाज के विकास के लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल, आकाश मध्यस्थता की कोशिश पहले भी की जा चुकी है। श्री श्री रविशंकर कितना वो अयोध्या भी गए, लोगों से मुलाकात भी की, लेकिन यहाँ पर इकबाल अंसारी ने उनका विरोध किया था। क्यों किया था और अब वो इस चीज के लिए राजी हो गए हैं, कैसे समझे इसको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले जो रविशंकर की तो उनकी अपनी पहल थी, वहीं पे जो इस बार पहल की गई है वो कोर्ट के द्वारा की गई है और कोर्ट के इस पहल पे उनका वो स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद इकबाल अंसारी अब कोर्ट के जो फैसला है उस पे सहमत है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 महीने तक अयोध्या मामले की सुनवाई टल गई है और इकबाल अंसारी जिन्होंने कहा है कि कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, तारीखें मिल रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम सबको मान्य होगा। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।